अस्सलाम वालेकुम, मैं अमीर अब्दुल्ला एक और नई रेसिपी के साथ आप सबके खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे गर्मियों के सौगात और सेहत से भरपूर बादाम का शरबत। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार तैयार होता है। गर्मियों में स्पेशल जब मौसम गर्म होता है आप इसे पिए, सेहत से भी भरपूर है और मज़ेदार भी बहुत है। तो चलिए हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शरबत बनाने के लिए हमने ये 200 ग्राम बादाम लिए जिनका हमने छिलका उतार ली, हमने एक मिक्सर में डालेंगे। ये हाफ कप पानी है। हमने एक स्मोक सा पेस्ट तैयार करने, ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया। पानी तकरीबन आधा कप और हमने डाला था, टोटल 1 कप पानी है। इसको हम करेंगे साइड पे। ये एक पैन में ये 750 ml पानी, ये 1 किलो चीनी, इसको हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। आंच हल्की रखिएगा, तेज आंच नहीं रखनी। तकरीबन शीरा हमारा गाढ़ा हो गया। अब हमने ये जो बादाम का पेस्ट तैयार किया था वो इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और इसे 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारा शरबत हो गया तैयार। फ्लेम हम कर देंगे ऑफ और इसे कंप्लीटली ठंडा होने देंगे। ये शरबत हमारा ठंडा हो गया, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम इससे शरबत तैयार करेंगे। ये 1 गिलास ठंडा पानी, इसमें हम डालेंगे ये 1, 2 और ये 3 अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये दूसरा तैयार करेंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नहायत ही आसान और मजेदार बादाम का शरबत हो गया तैयार। इसे आप 2 महीने तक फ्रिज में सेव करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।